तो यूएमएस प्रोजेक्ट में आपको चार फॉर्म्स बनाने हैं कुल। एक साइन इन का फॉर्म बनाना है, एक साइन अप का फॉर्म बनाना है, एक फॉरगेट पासवर्ड और एक अकाउंट अनलॉक। ऐसे चार फॉर्म्स बनाने हैं और आपके हिसाब से डिजाइनिंग करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि किस तरह से बैकएंड से जो भी सर्विसेज हमें मिली है या बैकएंड से जो भी एपीआई हमें मिली है उन्हें हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे वो देखने वाले हैं। एज लाइक क्रॉड ऑपरेशन आप सब लोगों का हो चुका है कि क्रॉड ऑपरेशन में हमने देखा था गेट मेथड पोस्ट मेथड का यूज क्या है कि गेट मेथड से बैकएंड का डेटा गेट कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, एंड पोस्ट मेथड से अगर आपको कुछ भेजना रहेगा तो वो आप पोस्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जैसे अभी अगर आप साइन अप फॉर्म बनाओगे तो यहाँ से जब भी कोई डिटेल्स आप टाइप करके सबमिट करना चाहोगे तो ये डेटा सबमिट होना चाहिए आपके बैकएंड सर्वर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। प्लस हमने देखा था ये कंट्री और ये जो स्टेट है ना, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट हम अपने खुद के मन से कोई भी कंट्री या स्टेट नहीं लिखने वाले, हमें वही कंट्री या स्टेट लिखना है जो हमें बैकएंड से मिली है। तो वो कंट्री और स्टेट और सिटी लाने के लिए यहाँ पे गेट मेथड का यूज करके हम कंट्री को लाएंगे, स्टेट को लाएंगे और सिटी को लाएंगे। तो उसकी भी हमें अलग अलग एपीआई दी गई है। उन सबको किस तरह से प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है बस उतना आज देखेंगे। फिर उसके बाद जिनका भी फॉर्म हुआ है, जैसे आज दो तीन जन का फॉर्म हुआ है, वो कल शेयर करेंगे स्क्रीन और एक-एक का फिर हम पार्ट कंप्लीट करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर किस तरह वर्क करके आप अपना डेटा बैकएंड में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्विसेज का। तो मैंने आपको ऑलरेडी सर्विसेज की लिंक भी भेज दी थी स्वैगर की। स्वैगर का कोड नंबर शायद यही था 9090। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका आईपी एड्रेस होता है यहाँ तक। दिस इज योर आईपी एड्रेस, दिस इज योर कोड नंबर, और इसके आगे जो भी आपकी एपीआई रहेगी फॉरगेट का है लॉगिन का है तो वो नाम दिया रहता है। अभी आप क्लिक करके देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो भी सर्विसेज है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जितनी भी एपीआई हमें दी गई है उन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर लॉगिन का करके देखेंगे, फिर फॉरगेट पासवर्ड, फिर अनलॉक, मतलब ये चारों का काम आज हमें करना है। सो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट वही है येस्टरडे वाला जो मैंने कल आपको दिखाया था। ठीक है, इसमें सर्विसेज भी है मेरे पास ऑलरेडी बनाई हुई, फिर भी मैं एक नई फाइल बना देती हूँ सर्विसेज की और उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करके, आपको पता है सर्विस किस तरह से जनरेट करते हैं, एनजी जी एस, और मेरे पास एक फोल्डर है सर्विसेज नाम का, उसके अंदर एक सर्विस बनानी है। तो सर्विसेज स्लैश और यहाँ पे यूएमएस नाम से ही सर्विस बना देती हूँ मैं और एंटर कर देते हैं यहाँ पे। सो आपके पास जो ऑलरेडी सर्विसेज नाम का फोल्डर है ना, उसी के अंदर आपको यूएमएस सर्विस मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, ये जनरेट हो गई सर्विस यहाँ पे। अब इस सर्विस के अंदर आते हैं और सर्विस के अंदर आने के बाद अभी आपको क्या क्या करना है, वो सारी एपीआई को आपको यहाँ पे लाना है यूजिंग द गेट और पोस्ट मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट को लाना पड़ेगा ताकि एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर ही हम गेट और पोस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट एचटीटीपी और एचटीटीपी क्लाइंट। आपको अभी ये तो पता है एचटीटीपी क्लाइंट कहाँ से आएगा, तो एचटीटीपी मॉड्यूल से आएगा। एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल से जो हमने क्रॉड ऑपरेशन में देखा था कि ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल जो मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो इसलिए मैं सर्विस में डायरेक्टली एचटीटीपी क्लाइंट को इम्पोर्ट कर सकती हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर एचटीटीपी क्लाइंट को इम्पोर्ट किया। ठीक है, सो नाउ अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन की सारी सर्विसेज को प्रोजेक्ट के अंदर लेके आते हैं।
तो उसके लिए पहले ये रजिस्ट्रेशन को ओपन कर लो। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास गेट सिटीज की एक एपीआई दी है सिटीज को लाने के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कंट्री में आपको दो कंट्री दिख रही है, इंडिया और यूएसए। ये हमने अपने खुद के मन से नहीं लिखा है, ये डेटा मुझे बैकएंड से मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गेट कंट्रीज को ओपन करके, तो गेट कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे राइट आउट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बॉडी में दिखेगा कि ये आईडी है या इसे आप की कह सकते हो, और ये इसकी की वैल्यू है, कंट्री का नाम इंडिया और यहाँ पे यूएसए दिया है, वही नाम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है इंडिया और यूएसए। ये मैंने अपने मन से नहीं लाया है, ये मैंने इस सर्विस को कॉल किया मेरे प्रोजेक्ट में और ये ऑटोमेटिकली दो नाम मुझे मिल गए, यूएसए और इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं हम लोग कि कंट्रीज को किस तरह गेट करेंगे। तो इसके लिए कौन सी मेथड यूज की गई है, गेट कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने से पहले, देखो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप ये पूरा डेटा टाइप करोगे। आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी लिख सकते हो, फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी लिख सकते हो, जेंडर आपका जो है, ईमेल आईडी जो है वो आप लिखो, बट कंट्री हमें अपने मन से नहीं लिखना है, वही लिखना है जो हमें इस एपीआई में दी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये कंट्रीज को गेट कर लेते हैं। तो इसकी सर्विस कॉल कर लेंगे, सबसे पहले इसे ओपन करो। राइट आउट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल में आपको उसका यूआरएल मिलेगा जिसकी हेल्प से आप कंट्रीज को ला सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम कंट्रीज के लिए, देखो ये यहाँ तक है ना कॉमन रहने वाला है सारी एपीआई के अंदर, यहाँ तक का जो कोड है, यहाँ तक की जो लिंक है, ये कॉमन रहेगी सारे सर्विसेज के अंदर। तो ये कॉमन यूआरएल जो है ना, इसे मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बेस यूआरएल, ताकि बार बार हर बार ही हमें वो पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी करने की जरूरत ना पड़े, सब में ये चीज कॉमन रहेगी। तो उससे मैं एक वेरिएबल बना के उसके अंदर इस तरह से रख देती हूँ स्टोर करके। ठीक है, बेस यूआरएल के अंदर जो कॉमन यूआरएल रहने वाली है उसे स्टोर करके रख लो। अभी आपको क्या करना है, गेट करना है कंट्रीज को। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेट कंट्रीज नाम का, एक फंक्शन बनाओ इस तरह से। अब यहाँ पे तो आपको पता है किस तरह गेट करेंगे, http:get मेथड का यूज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूआरएल पास करते हैं बराबर गेट के अंदर। कौन सी यूआरएल पास करते हैं, यही गेट कंट्रीज के अंदर की, बट ऑलरेडी इस यूआरएल को मैंने इसमें स्टोर करके रखा है। तो बस आपको यहाँ पे देना है डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस वेरिएबल का नाम यूज करो। ठीक है, बेस यूआरएल, बेस यूआरएल मतलब बस मुझे यहाँ तक का लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे गेट किया है, लेकिन इसके आगे आप देख सकते हो कि स्लैश देके कंट्रीज भी लिखा है। तो इस कंट्रीज को कॉपी करके इस बेस यूआरएल के आगे हम लोग लिख देते हैं। ओके, सो एक बार आप देख लो, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। जो काम इस तरह से हम लोग करते थे, गेट लिख के इस पूरी की पूरी यूआरएल को कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते थे, उसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ तक का जो कॉमन यूआरएल है इसे मैंने स्टोर करा इस बेस यूआरएल के अंदर, और हमने बेस यूआरएल लिया है और बस आगे कंट्रीज लिया है। अब क्या होगा कि मुझे कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए, सिटी चाहिए, तो बार बार ये पूरी यूआरएल आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस बेस यूआरएल लिख दो और उसके आगे और क्या चीज आपको चाहिए जो आपको लिंक में दी है वो लिख दो। सो दिस इज नॉट नेसेसरी टू राइट, तो इतना इनफ है, इसमें मेरा यो गेट हो जाएगा कंट्रीज का जो नाम है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सर्विसेस ही देख रहे हैं, इसे हम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के टीएस फाइल में किस तरह कॉल करेंगे या बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हमें बस क्या मिलने वाली है, कंट्रीज का नाम मिलने वाला है। सो दिस इज डन विद द कंट्रीज। अभी कंट्रीज आपके पास आ जाएंगी, कितनी कंट्रीज है आपके पास देख लो वापस से एक बार। यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर कंट्री पे इंडिया है और सेकेंड नंबर के आईडी पे यूएस है, याद रखना, क्योंकि ये स्टेट में आपको इसके ऊपर समझना है कि स्टेट किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो कंट्रीज तो मैंने गेट कर ली, अभी मुझे स्टेट को गेट करना है। तो हम ये वाली एपीआई कॉल कर लेते हैं, अभी गेट स्टेट को ओपन करो।
गेट स्टेट में क्या रिक्वायर्ड है आपको, यहाँ पे आईडी रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, वो क्या रिक्वायर्ड है आपको, कंट्री आईडी रिक्वायर्ड है। बिकॉज जो कंट्री आप सिलेक्ट करोगे उसी कंट्री के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टेट दिखने वाले हैं। तो हमने देखा था 1 नंबर पे इंडिया था और 2nd नंबर पे यूएसए था। तो अगर आप यहाँ पे ID 1 भेजोगे तो ट्राई इट आउट करके देखो, 1 के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी में इंडिया के अंदर के 2 स्टेट दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर आप यहाँ पे ID 2 भेजते हो और ट्राई इट आउट करो तो देखो 2रे नंबर पे क्या था कंट्री में, यूएसए था। तो यूएसए के बेसिस पे आपको कौन से स्टेट मिलेंगे, न्यू जर्सी और ओहियो, ये 2 स्टेट आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्टेट लाना है तो स्टेट को लाने के लिए आपको कंट्री आईडी भेजना पड़ेगा, उस कंट्री आईडी के बेसिस पे आपको स्टेट मिलेंगे। सो हमने देखा था कि यहाँ पे पैरामीटर भी किस तरह से आप भेज सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी, हमें स्टेट गेट करने हैं बाय द कंट्री आईडी, और हमें आईडी भेजना पड़ेगा यहाँ पे कंट्री का। तो आईडी भेजने के लिए उसका डेटा टाइप नंबर लिख देते हैं। अगेन यहाँ पे HTTP.GET करना है हमें, तो गेट मेथड का यूज करेंगे। बैकटिक देके डॉलर कर्ली ब्रेसेस में बेस यूआरएल, अब चेक करो ये बेस यूआरएल तो यहाँ तक है, इसके आगे आपको स्टेट्स लिखने हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर आके स्टेट्स। और स्टेट के आगे अगर आप देख सकते हो तो स्लैश देके आईडी भी भेजा गया है, तो यहाँ पे आपको स्लैश देना है और इसके बाहर आके हम आईडी भी भेजेंगे। ये आईडी मींस व्हाट, दिस आईडी, ये आईडी भेजेंगे हम इस यूआरएल के जरिए और हमें गेट होगा जो भी स्टेट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी हमने स्टेट भी गेट कर लिया है बेस्ड ऑन द कंट्री आईडी। अब उसके बाद देखो, अभी आपको कंट्री मिल गया, कंट्री के बेसिस पे आपके पास स्टेट भी आ चुके। नाउ अभी आपको क्या चाहिए, ये सिटी चाहिए, ये सिटी नेम। सिटी नेम किसके बेसिस पे मिलेंगे आपको, स्टेट के बेसिस पे स्टेट मिलेंगे। की ओके, सो नाउ लेट्स चेक गेट सिटीज। गेट सिटीज में भी आपको यहाँ पे क्या भेजना है, स्टेट का आईडी भेजना है। अब एक बार आप अपना स्टेट आईडी चेक कर लो, गेट स्टेट। गेट स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपने एक भेजा है तो 1 नंबर के लिए आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका मिल रहा था। 2nd नंबर का कंट्री आईडी अगर आपने भेजा, 2nd नंबर का कंट्री आईडी, तो न्यू जर्सी और दिल्ली है, सॉरी ये ओहियो यो है एंड राइट आउट। अभी इंडिया के 2 स्टेट दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अभी आपको क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो आपको ना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से रिलेटेड सिटीज का लिस्ट वो डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट सिटीज में आके एक स्टेट आईडी भेजते हैं। सपोज मैंने स्टेट आईडी भेजा 1 यहाँ पे, ओके करो तो देखो 1 के लिए आपको ये 2 सिटीज जो है वो दिखेंगी। अगर आपने यहाँ पे नंबर 2 लिखा है तो नंबर 2 के लिए आपको बेंगलुरु और मैसूर, मतलब देखो अगर आपने आंध्र प्रदेश लिया है तो देखो ये 2 मिलेगी। मैंने 1 भेजा था तो 1 के लिए ये दिख रहा था। अगर आपने नंबर 2 भेजा है यहाँ पे, स्टेट ID 2 भेजा है, तो 2 के लिए आपको क्या मिल रहा है, बैंगलोर और मैसूर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 2 नंबर का स्टेट सिलेक्ट करोगे तो आपको ये बैंगलोर और ये मैसूर मिलेगा। सो दिस इज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, जो आईडी आप भेजोगे उस हिसाब से डेटा आपको गेट मिलने वाला है। तो अगेन क्या है कि आपको सिटी मिलने वाली है बाय सेंडिंग द स्टेट आईडी, मतलब वापस से आपको आईडी भेजना पड़ेगा सिटी को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन वी विल मेक वन फंक्शन, गेट सिटी बाय स्टेट आईडी, करेक्ट। सिटी हमें मिलेगा गेट स्टेट आईडी के बेसिस पे। तो वापस से हम यहाँ पे एक आईडी भेजेंगे, कोई भी आईडी जो आप भेजना चाहते हो वो आईडी भेजेंगे। एंड अगेन ये सारी चीजों में याद रखो, यहाँ पे हमने रिटर्न तो लिखा ही नहीं, तो ये फंक्शन के अंदर बाइंड करने के टाइम पे प्रॉब्लम देगा। ये आपको डेटा रिटर्न भी करना है। सो रिटर्न HTTP.GET, अगेन गेट मेथड, क्योंकि हमें सिटीज को भी गेट करना है तो इसीलिए यहाँ पे गेट मेथड का यूज करेंगे। बेस यूआरएल लिखेंगे, नाउ चेक बेस यूआरएल के आगे आपको सिटीज भेजना है।
और फिर स्लैश दे के आपको आईडी भी भेजना है स्टेट का। ठीक है, ये तीन फंक्शन से क्या हो जाएगा, इधर आपको कंट्री आ जाएगी, यहाँ तक आपको स्टेट मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक हमने तीन चीजें कर ली। अभी क्या बचा है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, तो एक ईमेल चेक का भी है। ईमेल चेक मतलब क्या, इधर अगर आप कोई ईमेल आईडी डाल रहे हो, अभी कैसे इधर वो चेक करके बता रहा है ये ड्यूप्लीकेट है या यूनिक है, तो ईमेल भी हमें चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी यूजर मेल टाइप कर रहा है ऑलरेडी उसने उस ईमेल आईडी से रजिस्टर करके रखा है या नहीं, वो भी चेक करना है। तो उसकी भी आपको एपीआई दिया है ईमेल चेक करने के लिए, तो उसे भी हम अपने प्रोजेक्ट में कॉल करेंगे। सो उसके लिए इसे ओपन करो चेक ईमेल को, और यहाँ पे देखो अभी इधर आपको क्या भेजना पड़ेगा ईमेल, क्योंकि मैं यहाँ से कोई भी ईमेल टाइप करूंगी तो वो बैकएंड में जाके चेक होगा कि क्या ये ईमेल ड्यूप्लीकेट है या यूनिक है, तो आपको आपका ईमेल आईडी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड फील्ड में भी टाइप करके देखो, यहाँ पे मैं यही वाला ले लेती हूँ, ट्राई इट आउट करके देखो इसका रिस्पॉन्स बॉडी क्या दिखा रहा है आपको, ड्यूप्लीकेट दिखा रहा है। ये अपने आप से ड्यूप्लीकेट कैसे आ रहा है, या ऑलरेडी बैकएंड में वैसे सर्विस बना के रखी है कि वो ये मेरा ईमेल आईडी चेक करेगा कि इस ईमेल आईडी की एंट्री पहले भी हो चुकी है या नहीं। अभी मैं देखो कुछ भी ऐसे डाल के @gmail.com अगर लिखूंगी और ट्राई इट आउट करूंगी तो ये रिस्पॉन्स बॉडी में क्या दिखा रहा है, अभी यूनिक दिखा रहा है क्योंकि इस नाम का ईमेल आईडी यूज नहीं हुआ है। तो देखो आपको ज्यादा कुछ काम करना ही नहीं है, आपको चेक करने के लिए कि ये पहले से रजिस्टर है या नहीं है, आपको सर्विस दी है बस उस सर्विस को आपके प्रोजेक्ट में कॉल करना है, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। और रिस्पॉन्स को हम लोग स्टोर करते हैं ना सब्सक्राइब करके, ये भी आपका हो चुका है ऑलरेडी। सो नथिंग इज डिफिकल्ट, बस यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी भेजेंगे जो भी हम भेजना चाहते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी में वो आपको दिखा देगा ड्यूप्लीकेट है या यूनिक है। सो अभी इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं यूनिक ईमेल चेक नाम से, जो यहाँ पे मेल चेक करना है मुझे तो उसकी सर्विस हम कॉल करेंगे यूनिक ईमेल चेक नाम से, एक फंक्शन बना लो यहाँ पे। और आपको पता है आपको मेल भेजना है तो यहाँ पे मेल लिखो या ईमेल लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो भेजना चाहते हो, या डेटा भी लिख सकते हो सिंपली, दिस इज ओनली अ नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम है, बट याद रखने के लिए आप मेल भेजना चाहते हो तो इसलिए मेल लिखो या ईमेल लिखो, और उसका डेटा टाइप एनी रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिटर्न करेंगे http. भेजना है हमें, भेजना है ना हमें, तो यहाँ पे अभी गेट मेथड यूज होगा या पोस्ट मेथड यूज होगा एक बार चेक करो यहाँ पे। पोस्ट हाँ, बट इधर उन्होंने गेट मेथड भेजा है, गेट मेथड क्यों दिया है यहाँ पे, पोस्ट मेथड से क्या होगा कि डेटा भेज सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो भी मेल में डाल रही हूँ वो ऑलरेडी रहेगा तो वो आपको गेट करके देगा वैल्यू ड्यूप्लीकेट या यूनिक, तो इसलिए यहाँ पे बस ड्यूप्लीकेट ये गेट मेथड का यूज करेंगे अगेन। तो गेट मेथड का यूज करके यहाँ पे बेस यूआरएल डॉलर कर्ली ब्रेसेस बेस यूआरएल, और एक बार वापस से चेक बेस यूआरएल के आगे ईमेल चेक लिखा है तो ये यहाँ पे आपको लिखना है ईमेल चेक, और स्लैश देके आपका ईमेल जाएगा ना आगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मेल लिखा तो मेल बस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और भी एक चीज है यहाँ पे, रिस्पॉन्स बॉडी में आपको उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है ड्यूप्लीकेट, अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है या जेसन फॉर्मेट में है ये आप बता सकते हो, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा मिल, इसका रिस्पॉन्स जो है ये आपको जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है या टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल रहा है, टेक्स्ट टेक्स्ट में में मिल रहा है। हाँ, तो आप ना रिस्पॉन्स टाइप भी स्टोर करके रख सकते हो, मतलब ये जो सर्विस है ना इस सर्विस के अंदर इस तरह से ना कॉमा देके आप उसका रिस्पॉन्स टाइप भी बता सकते हो कि उसका जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स टाइप लिखना है आपको यहाँ पे, रिस्पॉन्स टाइप कैपिटल में रिस्पॉन्स टाइप कर्ली ब्रेसेस में लिखना है इसे, कर्ली ब्रेसेस में रिस्पॉन्स टाइप, वापस एक बार देख लेते हो, रिस्पॉन्स टाइप कोलन और सिंगल कोट में इस तरह लिखना है आपको टेक्स्ट।
ये बस क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है ना बैकेंड से, वो रिस्पॉन्स का टाइप क्या है वो बताया हमने कि उस रिस्पॉन्स का टाइप टेक्स्ट है। तो जब हम इस सर्विस को अपने TS फाइल में कॉल करेंगे ना, तब उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली जो स्टोर होगा वो टेक्स्ट में ही स्टोर हो जाएगा। सो यू कैन ऐड द रिस्पॉन्स टाइप ऑल्सो इन योर सर्विस, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, सो ये हमने मेल चेक करने का था, तो वो सर्विस भी हो गया हमारा। अभी इसमें बाकी है सेव यूजर। सेव यूजर कब होगा, जब हम सबमिट करेंगे तो डेटा चला जाना चाहिए बैकएंड में। तो यहाँ पे अभी आप यूज करोगे पोस्ट मेथड डेटा भेजने के लिए, तो इसे ओपन कर लेते हैं। पोस्ट मेथड के अंदर इधर आपको क्या भेजना है, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि बॉडी भेजनी है, मतलब पूरा डेटा रिक्वायर्ड है। देखो राइट आउट करके देखो, वो नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई आईडी नहीं भेजनी है, बल्कि फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा आपने लिखा है, फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड हमने भरी होगी, वो पूरी की पूरी बॉडी हमें सेंड करनी है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, और अभी ट्राई इट आउट करके देखो। तो यहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा रिस्पॉन्स बॉडी में। अभी इसका रिस्पॉन्स टाइप जेसन फॉर्मेट है, इस तरह से आपका डेटा स्टोर होगा। और ये एपीआई है सेव यूजर की, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेटा भेजने के लिए। तो सेव यूजर या रजिस्टर यूजर, इस तरह से आप बना लो एक फंक्शन, और आप डेटा भेजने वाले हो तो उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते बॉडी नाम से, या डेटा भी लिख सकते हो आप, जो भी नाम लिखना है आपको यहाँ पे वो। फिर रिटर्न HTTP.NOW, यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे हम, और यहाँ पर डॉलर देना है, कर्ली ब्रेसेस में लिखना है हमें बेस URL। ठीक है, और बेस URL के बाद क्या दिया है यहाँ पे, स्लैश सेव यूजर, तो ये लिख लेते हैं सेव यूजर। सेव यूजर के बाद स्लैश देके कुछ भेजा नहीं है हमने, ठीक है, तो यहाँ तक ही लिखेंगे सेव यूजर कॉमा देके, क्या भेजना है आपको, डेटा भेजना है, तो वो डेटा दे दो बस इस तरह से। ठीक है, तो ये जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा पोस्ट हो जाएगा इस URL के ऊपर, तो मतलब आपके बैकएंड में डेटा आपका सेट हो जाएगा। तो हमने ये सेव यूजर की सर्विस भी कॉल कर ली। सो रजिस्ट्रेशन का हो गया अभी यहाँ तक, हमने ये चार एक्टिविटीज कर ली यहाँ पे। अभी इनसे क्या होगा, कंट्री आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से मेरे पास स्टेट आ जाएगा, सिटी आ जाएंगी, मेरा ईमेल भी चेक होगा यूनिक है या नहीं, और रजिस्टर डेटा पोस्ट करना है तो मेरा डेटा भी पोस्ट हो जाएगा बैकएंड में। ठीक है, तो यहाँ ये सब हमने सर्विसेज कॉल कर ली यहाँ तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। नाउ अभी हम लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन में बस आपको एक ही पोस्ट मेथड का यूज करना है। लॉगिन में आप देखो यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि जब भी कोई क्लिक, ये हटा देते यहाँ से, जब भी यहाँ पे अपना कोई ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के सबमिट करेगा तो डेटा चला जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बस एक ही पोस्ट मेथड का यूज करना है, और आपको भेजना क्या है यहाँ पे, बॉडी, बॉडी के अंदर आपको मेल और पासवर्ड भेजना है। अगेन क्लिक ऑन दिस एग्जाम्पल वैल्यू और ट्राई इट आउट पे क्लिक करके देखो, आपको URL जनरेट करके मिल जाएगी। तो इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी आपको लिखना है, लॉगिन यूजर, इस तरह से कुछ बना लो फंक्शन। और इधर भी हम डेटा भेजने वाले हैं बाय द बॉडी के जरिए, आप डेटा भेजने वाले हो, तो यहाँ पे बॉडी या फिर डेटा भेजना है तो डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। इस डेटा के अंदर क्या होगा, इस डेटा के अंदर फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यू आपने लिखी है वो वैल्यूज इस डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उन वैल्यूज को हम रिटर्न करेंगे HTTP की पोस्ट मेथड के जरिए इस URL के अंदर, इस बेस URL के अंदर। ठीक है, बस यहाँ पे डेटा लिखना है, और यहाँ पे लॉगिन है ना स्लैश के बाद, तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन इस तरह से। इसका भी रिस्पॉन्स बॉडी में देख सकते हो, रिस्पॉन्स टाइप इसका क्या है, यहाँ पे भी टेक्स्ट ही है ये, तो इसका भी आप रिस्पॉन्स टाइप अगर मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट रहेगा, TEXT, टेक्स्ट इस तरह। ठीक है, इस रिस्पॉन्स टाइप लिखने से बस क्या होगा, कंसोल में वगैरह जब आप देखोगे तो इधर जो रिस्पॉन्स लिखा है वो आपको उधर भी टाइप करके मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो लिखा है।
ये हो गया हमारा लॉगिन तक कंप्लीट। नाउ फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में एक मेथड यूज करनी है गेट मेथड की, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड में आपको भेजना है आपका ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप भेजोगे उस ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड आएगा। कौन सा पासवर्ड आएगा? जो आप भूल गए थे वो पासवर्ड आएगा फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे भेजना क्या है, हमें ईमेल आईडी भेजना है। भेज के ट्राई इट आउट करो, आपको एक यूआरएल मिल जाएगा जनरेट करके, उसका भी रिक्वेस्ट यूआरएल। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और आपको भेजना है आपका ईमेल आईडी। सो लेट्स मेक वन फंक्शन फॉर फॉरगेट पासवर्ड, फॉर पासवर्ड इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में मुझे भेजना है ईमेल, और डेटा टाइप उसका एनी ही रख लेते हैं। ईमेल भेजना पड़ेगा हमें, तो रिटर्न http:get मेथड यहाँ पे हमें यूज करना है। डॉलर कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे बेस यूआरएल, और यहाँ पे बेस यूआरएल के आगे फॉरगेट पासवर्ड, और आगे आपको क्या भेजना है, आपका ईमेल भेजना है। तो ईमेल, ठीक है। रिस्पॉन्स बॉडी में क्या दिख रहा है, वी हैव सेंड पासवर्ड टू योर ईमेल। मतलब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जब आप ईमेल आईडी लिख के सबमिट करोगे, तब रिस्पॉन्स बॉडी में जो भी डेटा रहेगा वो दिखेगा आपका। तो उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स टाइप जो है, रिस्पॉन्स टाइप लिखना है टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स टाइप प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉरगेट पासवर्ड तक का भी हो गया। अभी हमारा एक ही चीज बाकी रहेगा शायद, कि हमें अभी अनलॉक अकाउंट की सर्विसेज को लाना है। तो अनलॉक अकाउंट में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज हुआ है। पोस्ट मेथड का यूज किस लिए हुआ है, क्योंकि अगेन जब आप यहाँ पे अनलॉक अकाउंट लिखोगे तो इस फॉर्म में जो डेटा भरोगे वो आप बटन पे क्लिक करोगे तो बैकएंड में चला जाएगा, तो भेजना है डेटा अगेन। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले पोस्ट मेथड का। बट अभी पोस्ट मेथड से आप क्या भेजोगे, बॉडी, और बॉडी के अंदर ये पूरा डेटा रहेगा। सो क्लिक ऑन द एग्जाम्पल वैल्यू, ट्राई इट आउट। ये हो गई तैयार आपकी यूआरएल। ऑलरेडी हमने बेस यूआरएल में उसको स्टोर करके रखा ही है। तो यहाँ पे अनलॉक अनलॉक अकाउंट करके एक फंक्शन बना लेते हैं हम, और इसमें से अभी हम डेटा ही भेजने वाले हैं। तो डेटा नाम का या बॉडी नाम का एक वेरिएबल आप बना लो। रिटर्न करना है हमें HTTP पोस्ट, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बेस URL एंड दिस अनलॉक, और बस यहाँ पे कॉमा दे के डेटा भेजना है, तो डेटा लिखेंगे इस तरह से। क्लियर है? तो आई थिंक कि हमने सारे की सारी सर्विसेज को अपने प्रोजेक्ट में ले लिया है। फॉरगेट पासवर्ड का ले लिया है, लॉगिन का ले लिया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या क्या लेना था, कंट्रीज लानी थी, स्टेट लाना था, ओके सिटी, ओके मेल चेक करना था, और डेटा सबमिट बटन पे क्लिक करने पे पोस्ट करना था। तो उसकी सारी सर्विसेज लिख ली हमने। लॉग इन यूजर की एक ही सर्विस है कि डेटा पोस्ट करना है, जो भी आप लिखोगे तो वो भी हो गया। पासवर्ड का हमें गेट करना था पासवर्ड, तो गेट मेथड यूज किया। अनलॉक अकाउंट का डेटा भी पोस्ट करना था तो पोस्ट कर लिया। सो दिस इज योर सर्विसेज हैज डन।